एनीवे स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स की, जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़ा नहीं था, बट इसके बारे में आपको शॉर्ट जो पार्ट है वो आप 10th स्टैंड में पढ़ के आते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, जो कि कल मुझे क्वेश्चन पढ़े थे उसी के बेस में हमें कुछ क्वेश्चन होते हैं, मैं उनके बारे में बात करनी है। पहले हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स। जैसा कि हेडिंग में ही मेंशन है, क्या है ट्रांसफॉर्म करना है किसको, रूट्स को, ऐसा हेडिंग में ही मेंशन है, मतलब कि ऐसा भी कुछ हो रहा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे आता है मतलब वो बात कर रही हूँ। तो देखो, हमारे पास क्या दिया होगा, एक इक्वेशन दी गई होगी, एक इक्वेशन देने के साथ में आपको उसको बोल जाएगा उसके रूट्स दे देंगे अल्फा कॉमा बीटा। सेकेंड आपको जो चीज़ें हैं वो क्या होगी, हमें एक अनदर इक्वेशन फाइंड करनी होगी जिसके रूट्स कुछ अल्फा कॉमा बीटा में कुछ ऐड होगा या डिवाइड होगा या कुछ मल्टीपल होगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमें रूट्स दे देंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपने 10th स्टैंडर्ड में किए भी हैं और आगे भी करेंगे, उसी टाइप के क्वेश्चन हैं कुछ यहाँ पे, क्योंकि आप JEE या CET पढ़ रहे हो तो उसके रिगार्डिंग थोड़ा सा लेवल तो आपको कई कैसे हम डायरेक्टली क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्वेश्चन किस टाइप का आता है। लिखिएगा यहाँ पे, लेट ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इज इक्वल टू जीरो एज रूट्स एज अल्फा एंड बीटा एज अल्फा एंड बीटा देन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन Find a quadratic equation with roots first question is alpha plus 3 and beta plus 3। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। और सेकेंड क्वेश्चन है वो है अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा एंड बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, ये क्वेश्चन। ठीक है, अगर इस टाइप के क्वेश्चन होंगे तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमें क्या दी गई, एक इक्वेशन दे दी गई है। कौन सी इक्वेशन दी गई है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इससे क्या होगा, इससे हम क्या करेंगे, इक्वेशन दी गई है उसी के बारे में बात करेंगे। दैट इज हमारे पास क्या मतलब है कि यहाँ पे क्या दे दी गई है, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू जीरो, ये दिया गया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसी इक्वेशन को यूज करना है। क्या करना है, इक्वेशन को यूज करना है। कैसे यूज करना है वो देखो, यहाँ पर देखिए हमारे पास इसके रूट्स क्या है, अल्फा और बीटा, हम इसके सम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सम, क्या आएगा माइनस बी बाई ए। फिर क्या करेंगे, प्रोडक्ट निकाल लेंगे, वो क्या आएगा सी बाई ए आ जाएगा। ठीक है, इतना होने के बाद में क्या करना है वो देखना है। देखिए यहाँ पे हमें जो ये रूट्स दिए हुए, हमें इक्वेशन फाइंड करनी है, तो हमें इक्वेशन पता है क्या होती है, जनरल इक्वेशन लिख देता हूँ यहाँ पर। जनरल इक्वेशन क्या होती है वो आपने पढ़ा हुआ है, अभी कल के लेक्चर में बताया गया था आपको। लैम्डा टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस कैपिटल पी इज इक्वल टू जीरो, जहाँ पे एस जो है वो सम ऑफ द रूट्स होता है और कैपिटल पी जो होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ठीक है, उनके बारे में हमें यहाँ पे बात करनी है। क्या करना है, देखिए क्या हो जाएगा, लैम्डा टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स, क्या हो जाएगा यहाँ पर, रूट्स क्या है, अल्फा प्लस 3 प्लस बीटा प्लस 3। ठीक है, ये हो गया एक्स, इनटू में एक्स प्लस, यहाँ हो जाएगा अल्फा प्लस 3 इनटू में बीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। फिर हमें इसको सॉल्व कर लेना है, लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ हो जाएगा हमारे पास अल्फा प्लस बीटा प्लस 6 एक्स प्लस, यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे मल्टीपल करते क्या आएगा, अल्फा बीटा प्लस 3 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस में 9 प्लस में 9 इज इक्वल टू 0। ये होने के बाद में हमें सब कुछ पता है, यहाँ पे क्या करेंगे, सब कुछ कर देंगे, लैम्डा टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा मतलब माइनस बी बाई ए, क्या आएगा माइनस बी बाई ए प्लस में 6 इंटू में एक्स प्लस में यहाँ पे क्या है अल्फा बीटा दैट इज सी वाई ए, दैट इज सी वाई ए प्लस 3 टाइम्स माइनस बी वाई ए प्लस में 9 इज इक्वल टू 0। फिर क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे ए का सम में। तो यहाँ पे पूरे क्वेश्चन में एलसीएम दे रहा हूँ, क्या आ जाएगा हमारे पास ए एक्स स्क्वायर माइनस में
यहाँ पे a को एक कदम लेकर क्या बचेगा माइनस b, दैट इज 6a माइनस में b x प्लस, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा हमारे पास c माइनस 3b प्लस 9a इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास जो इक्वेशन निकल के आएगी ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन हो जाएगी। कौन से फर्स्ट क्वेश्चन का फाइनल रिजल्ट, ठीक है, ये हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन। ओके नोट कर लीजिए, फिर से समझिए करना क्या होता है। हमें हमें जो दिया होता है हमें जनरल इक्वेशन पता होती है क्या होता है, लैम्डा टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस कैपिटल पी इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे करना क्या है, एक्स स्क्वायर वैसे रहता है, एस जो होता है वो रूट्स का सम होता है, जो कि आपको पता है कैपिटल एस इक्वल टू सम ऑफ द रूट्स, दैट इज अल्फा प्लस 3 प्लस बीटा प्लस 3, अल्फा प्लस 3 प्लस बीटा प्लस 3 दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस 6 हो जाएगा। फिर क्या है टोटल रूट्स, टोटल क्या रहेगा अल्फा प्लस 3 इनटू में बीटा प्लस 3। इतना होने के बाद में यहां पर मैंने इसका प्रोडक्ट किया, यहां पे सम किया है, प्रोडक्ट किया तो अल्फा है बीटा, अल्फा बीटा 3 बीटा 3 अल्फा, तो 3 कॉमन कर लिया, अल्फा प्लस बीटा इन ब्रैकेट 3 3 इज 9 हो गया। ओके आफ्टर दैट यहाँ पे क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, अल्फा बीटा सी बाई ए होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए सब्सट्रूट कर दिया। तो यहाँ पे सब्सट्रूट करने के बाद में मैंने पूरी इक्वेशन, फुल इक्वेशन को मैंने क्या किया है, ए कॉमन कर लिया, ए कॉमन मतलब ए से एलसीएम लियो, एलसीएम लिया तो यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे ए खत्म हो जाएगा, यहाँ पे 6a, 6a माइनस बी हो जाएगा, ये बी है क्योंकि ये बी लिखा हुआ है, 6 नहीं है, 6a माइनस बी हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास c माइनस में 3b और प्लस में 9a, डिनोमेटर में जो a आएगा उसको 0 से हमने क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो फाइनल इक्वेशन निकल के आएगी वो आपका आंसर हो जाएगा। ओके नोट कर लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद हम इसी सेकंड क्वेश्चन करते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, सेम ही करना है, मैं इसको ही रफ कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, बाकी तो वैसे ही रहेगा, केवल इतना चेंज हो जाएगा क्योंकि रूट्स चेंज होगा। सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से कीजिएगा क्योंकि उसमें थोड़ा सा आपको माइंड का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिएगा लैम्डा क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान से रखिएगा क्या हो जाएगा, सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा इन ब्रैकेट में अल्फा स्क्वायर अपॉन में बीटा प्लस में बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फा इनटू में एक्स माइनस में सॉरी प्लस में अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा इनटू बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा इज इक्वल टू 0। तो एक अल्फा से एक अल्फा, एक बीटा से एक बीटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा अल्फा बीटा लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए यहाँ पे क्या है, ये क्या लिखा हुआ है अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा, मतलब एलसीएम लेंगे तो क्या होगा अल्फा क्यूब प्लस में बीटा क्यूब अपॉन में अल्फा बीटा एक्स, यहाँ पे क्या बचेगा अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। फिर और एक काम करते हैं, यहाँ से हम क्या करेंगे या रहने देते हैं, अभी हम इसको सॉल्व करते हैं, क्या करेंगे सॉल्व, देखिएगा लिखेगा हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो इसे ऐसे करेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से क्या करने जा रहा हूँ, ये लिखा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसको देखेंगे ए प्लस बी का होल क्यूब, मतलब अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इनटू में अल्फा प्लस बीटा। कुछ लोगों के दिमाग में अभी ये क्या होगा, कुछ अलग नहीं किया है मैंने, ये सब आपको बताया हुआ है और उसको नहीं बताया है उसको ये बात पता होना चाहिए कि ये कैसे आता है, कैसे पता होना चाहिए क्योंकि ये कोई क्वेश्चन है वो लोग टेस्ट चैनल में करके आते हैं, क्या करें क्वेश्चन करके आते हैं इसके बारे में तो बात कर, ठीक है। अब मैं ऊपर का क्वेश्चन को रख कर रहा हूँ क्योंकि इसका यूज खत्म हो चुका है, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन को रख कर सकते हैं, हमें सॉल्यूशन की जरूरत है केवल, और ये वाला क्वेश्चन भी रख, ठीक है। अब देखते हैं ये वैल्यू जो है यहाँ पे आके सब्स्टिट्यूट कर लें, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर लैम्डा टाइम्स माइनस बी, न्यूमरेटर क्या होगा देखिएगा, न्यूमरेटर होगा माइनस बी बाई ए का होल टू, माइनस बी बाई ए का होल टू माइनस में थ्री सी बाई ए, फिर माइनस में बी बाई ए अपॉन में क्या जाएगा सी बाई ए, ठीक है, इंटू में एक्स प्लस में सी बाई ए
इज इक्वल टू क्या जाएगा जीरो। अब इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो यहाँ पे रहेगा लैम्डा टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है क्या लिखे जा रहा हूँ यहाँ पे, ये देगा हमारे पास माइनस बी क्यूब बाई बी क्यूब, ये देगा माइनस। अच्छा यहाँ से मैंने देखा कि माइनस बी बाई ए कॉमन आ रहा है, क्या आ जाएगा यहाँ पे बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस में थ्री सी बाई ए। अच्छा अब क्या करेंगे यहाँ पे ए स्क्वायर है, मैंने यहाँ पे भी कैसे ले लेंगे और यहाँ पे क्या लिखा है सी बाई ए लिखा इन टू में एक्स प्लस में सी बाई ए प्लस में सी बाई ए इज इक्वल टू जीरो, ठीक है सिंप्लीफिकेशन करते ये ए से ये ए कैंसिल हो जाएगा तो लैम्डा टाइम्स क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस और माइनस क्या जाएगा प्लस बी बाई सी बी बाई सी यहाँ पे एल से करो क्या हो जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर माइनस थ्री ए सी अपॉन में ए स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पे सी बाई ए इज इक्वल टू जीरो। फिर से क्या करेंगे ए स्क्वायर सी का ऐसे मिल लेंगे तो यहाँ देखा लैम्डा टाइम्स ए स्क्वायर सी एक्स ए स्क्वायर सी एक्स स्क्वायर प्लस अब इसको मल्टीपल कर देंगे यहाँ पे बी क्यूब या बी को बाहर रख देते हैं ऐसे रखते हैं बी ब्रैकेट बी स्क्वायर माइनस थ्री ए सी और इंटू में एक्स प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर सी हो जाएगा क्या हो जाएगा ए स्क्वायर सी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये जो एक क्वेश्चन आएगी ये हमारे पास सेकेंड हमारे पास आंसर क्वेश्चन था उसका आंसर देगा, ठीक है। कल इसको क्या किया है यहाँ पर कुछ भी अलग नहीं किया है, जब कि हम लोग पढ़ के आए टेस्ट में वही हम लोग कर रहे हैं, केवल यहाँ पे थोड़ा सा लेंदी हो जाता है कैलकुलेशन बस इतना चेंजमेंट है। वहाँ पे क्या पढ़ा था हम लोगों ने हमें ये क्वेश्चन जनरल पढ़ी थी, ये लैम्डा नहीं पढ़ता जनरल के लिए लैम्डा क्या हो कोई कुछ भी पुट कर दे जाओ, अगर वन पुट कर दोगे टू पुट कर सकते हो थ्री कर सकते हो फोर कर सकते हो इससे भी कुछ भी पुट कर दो तो वो क्वेश्चन चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए लैम्डा क्या है हमारे पास एक वेरिएबल है। फिर उसके बाद क्या करना है उसके बाद हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। एस एक्स क्या है एस इज द सम ऑफ अ रूट्स एंड पी इज द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। यहाँ पे सम किया है अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा इनटू में एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा एंड बीटा स्क्वायर अल्फा, ओके। ये पुट करने के बाद में हमने यहाँ पे इसको ऐड कर दिया है, ऐड क्या किया है वो इक्वेशन सॉल्व करेंगे यहाँ पर क्या अल्फा क्यूब हो गया यहाँ पे और प्लस में बीटा क्यूब हो गया। फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस में थ्री ए बी, आपको अगर यही याद है लिख देते यहाँ पर फिर से ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी ए प्लस बी प्लस के टू अपॉन में के थ्री अल्फा प्लस के फोर एंड
के वन बीटा प्लस के टू अपॉन में के थ्री बीटा प्लस के फोर ऐसे कर दिया गया है। तब हमें क्या करना होगा, अगर ये हमारे पास अल्फा बीटा वही है, एक इक्वेशन दीजिए कि वैसे ही हमारे पास है, बस कंडीशन क्या लग गई है कि ये आइदर ये जो पोजीशन है हमारे पास ये वाली और ये वाली, ये जो पोजीशन है ये दोनों दोनों को हमें लीनियर में चाहिए। मतलब कहने का है आपके पास अगर ऐसे रूट्स आ रहे हैं कि लीनियर बाय लीनियर हो ऐसा, या फिर वन बाय लीनियर हो और या फिर लीनियर हो। ओके, कहने का मतलब है कि हमारे पास यहाँ पर क्वाड्रेटिक और लीनियर, जैसे कि हमारे पास पहला जो सम था वहाँ पर क्या था, अल्फा प्लस थ्री एंड बीटा प्लस थ्री, तो लीनियर है हमारे पास। क्यों? क्योंकि इसके हायर पावर कितनी है, वन है रूट्स की, तो ये लीनियर है। तब हम ये मेथड यूज कर सकते हैं जो बताने जा रहा हूँ, ठीक है। और अगर ऐसा है अल्फा प्लस थ्री अपॉन में अल्फा माइनस थ्री ऐसा कोई क्वेश्चन है, तब भी ये मेथड यूज कर सकते हैं जो बताने जा रहा हूँ। बट अगर ऐसा नजर आ रहा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस थ्री अपॉन में अल्फा प्लस थ्री, यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गई क्वाड्रेटिक, अपॉन में क्या हो गया लीनियर, तो ये जब आएगा तो हम इस मेथड को यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, ठीक है। कहने का क्या मतलब है कि ये जो मेथड है वो हमेशा लीनियर वन बाय लीनियर और लीनियर बाय लीनियर के लिए ही सॉल्व होता है, ठीक है, सॉल्व करेगा यूज होता है। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन में होता क्या है वो बात करेंगे। इसको समझ में आ रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि हम इसके पहले मेथड को सीख चुके हैं, बेसिक मेथड वो पता होना चाहिए सबको, क्योंकि हमारे पास अगर क्वांटिटी बाय क्वांटिटी आ गई है तो हमें वही मेथड यूज करना पड़ेगा, इस मेथड को यूज नहीं कर सकते वहाँ। देखिए बताया, ठीक है, देखिए लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दी क्वांटिटी इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ओके, वेयर कॉमा ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, ऐसा ही दिया गया, कॉमा वेयर ए बी सी आर कॉन्स्टेंट्स। देखो इस वर्ड का बहुत बड़ा यूज है, ए बी सी आर कॉन्स्टेंट। देन टू फॉर्म ए क्वांटिफिकेशन, देन टू फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन टू फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रूट्स के वन अल्फा प्लस के टू, ऐसे नेक्स्ट ऐसे लिखेगा, विद के वन अल्फा प्लस के टू अपॉन में के थ्री अल्फा प्लस के फोर एंड के वन बीटा प्लस के टू अपॉन में के थ्री अल्फा प्लस के फोर, ऐसे कोई रूट से देंगे तब क्या करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया कि ये मेथड तभी होगा जब ये तो लीनियर होगा रूट्स ये वाले, या फिर वन बाई लीनियर होगा या फिर लीनियर बाई लीनियर होगा, तब ये जो मेथड है ये इस मेथड का यूज करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे वो आप इसका प्रोसीजर लिखेगा, नेक्स्ट लाइन से लिखेगा प्रोसीजर क्या होगा, अगर प्रोसीजर में स्टेप्स हैं, स्टेप्स क्या होंगे, सबसे पहले काम क्या होगा हमारे पास, इक्वेशन क्या थी हमारे पास, यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वेशन थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा हूँ, ये इक्वेशन थी हमारे पास जो ये लिखा हुआ है अल्फा बीटा किसके रूप से, इसके रूप से, मतलब कहने का है कि अगर मैंने यहाँ पे अल्फा रख दें कहाँ पर, यहाँ पर, तो भी इक्वेशन क्या आएगी, जीरो आएगी। रूट्स का मतलब क्या होता है, इक्वेशन हो जाएगी जीरो, क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगी जीरो, मतलब ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ओके। एंड ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल टू जीरो आएगा, मतलब तभी तो रूट्स आते हैं। रूट्स का मतलब क्या होता है कि जो वैल्यू पे हमारे पास इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है ऐसे इक्वेशन क्या बोलते हैं हम लोग, रूट्स बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए बात करना है कि हमें करना है, तो हमारे पास प्रोसीजर क्या होगा, फर्स्ट स्टेप जो होगा उसको जो इक्वेशन होगी क्या होगा, एक्स के प्लेस मैंने क्या पुट किया, अल्फा के प्लेस पे एक्स पुट कर सकते हैं, तो ये
assume why per do this, ठीक है। और एक बात ध्यान दीजिएगा कि हमें जब भी क्वेश्चन दिया गया होगा तो हमें यही क्वेश्चन दी गई होगी, मतलब कहने का है कि जो केवल यहाँ होगा वही यहाँ पर होगा, के टू जो होगा वो यहाँ पर होगा, के फोर जो होगा यहाँ पर होगा, के थ्री जो होगा वो यहाँ पर होगा, सेम सेम होगा। तो इसलिए क्या करेंगे हम इस वाले पोजिशन में जो हमारे पास अल्फा बीटा लिखा हुआ है उसमें से किसी एक पोजिशन को या किसी भी पोजिशन को अल्फा में, तो यहाँ पे मैंने इसको क्या किया अल्फा को एक्स कंसिडर कर लिया, या फिर आप चाहो तो यहाँ पे कर सकते हो, आएगा दोनों से यही पोजिशन, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे यहाँ पर, तो ध्यान से देखिएगा ये जो हमारे पास आया है इसको सॉल्व करके हम क्या करेंगे एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे इन टर्म्स ऑफ वाई। मैंने मान लिया कि यहाँ पर एक फंक्शन आ गया जी ऑफ वाई, अब आपके दिमाग में ये क्या हो गया, मतलब कहने का है कि एक्स की वैल्यू मैंने वाई के टर्म में निकाल ली। जैसे कि एक एग्जाम्पल ही ले लेते हैं, हमारे पास दिया हुआ था वाई इक्वल टू एक्स माइनस फोर अपॉन में एक्स प्लस फोर, मैंने ये कंसिडर किया होगा, ठीक है। मैंने क्या किया यहाँ पे, अब यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाली वाई के टर्म में, क्या करेंगे पहले मल्टीपल एक्स वाई माइनस में फोर वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस में फोर, एक्स को ऐसे भी किया एक्स वाई माइनस में एक्स इज इक्वल टू इसको यहाँ पर किया फोर वाई प्लस में फोर, फिर x कॉमन कर दिया y माइनस में वन इज इक्वल टू फोर कॉमन कर लिया y प्लस में वन, x की वैल्यू क्या थी फोर टाइम्स y प्लस वन अपॉन में y माइनस वन। देखो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हुई y के टर्म में आ गई, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर भी कर रही है, ये मैंने आपको एग्जांपल लेके बताया है कि ऐसा होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा वो बात कर रही है, देखो इसको रख कर यहाँ से जो x आएगा, ये जो x आएगा वो क्या करेंगे, वो जो हमारे पास इक्वेशन यहाँ पर होगी यहाँ पे आके सब्स्टिट्यूट करोगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, क्या है कि इक्वेशन बन जाएगी। कहने का मतलब है कि ये जो हमारे पास x आएगा वो जो x क्या करेंगे हम इस इक्वेशन में आके सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी वो मिल जाएगी, ओके। जैसा कि अभी बात कर लेते हैं, यहाँ पे लिखिएगा put this value, यह लिखिएगा now substitute the value of x in original given quadratic equation, ओके। हमारे पास फाइनल आंसर मिलेगा, ये प्रोसीजर ये तो बात की मैंने कब जब हमारे पास ऐसा होगा तब, तो मैंने क्वेश्चन किया हुआ है उसी के दोनों क्या करते हैं हम लोग अटेम्प्ट में करते हैं, दूसरे का तो नहीं आएगा क्योंकि दूसरे में क्या था क्वाड्रेटिक अपॉन में क्या था लीनियर था, बट फर्स्ट वाला तो था अल्फा प्लस थ्री एंड बीटा प्लस थ्री वो हो सकता है, तो उसमें कैसे करेंगे वो देखते हैं। आपके पास आंसर तो नोट होगा पहले से, यही था हमारे पास वहाँ पे, ये जो लिखा था क्या दिया था अल्फा प्लस थ्री और क्या दिया था बीटा प्लस थ्री, क्या दिया था अल्फा प्लस थ्री एंड बीटा प्लस थ्री, तो मैंने क्या किया वाई भी से कर लिया, यहाँ पे क्या आएगा अल्फा प्लस थ्री, अल्फा के प्लेस में मैंने एक्स कर लिया, एक्स की वैल्यू निकाल ली वाई माइनस थ्री, एक्स की वैल्यू निकाल ली वाई माइनस थ्री, अब जो इक्वेशन थी वहाँ पे आके सब्स्टिट्यूट करो, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या आएगी ए वाई माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस बी वाई माइनस में थ्री प्लस सी इक्वल टू जीरो इन ब्रैकेट ए वाई स्क्वायर प्लस नाइन माइनस सिक्स वाई, ओके ये हो गया हमारे पास प्लस में बी वाई माइनस में थ्री बी प्लस में सी इक्वल टू जीरो, यहाँ गया ए वाई स्क्वायर प्लस में नाइन ए माइनस में सिक्स ए वाई प्लस में बी वाई माइनस में थ्री बी प्लस में सी जीरो से जीरो। अब देखो यहाँ पे इसको लिख दिया ए वाई स्क्वायर माइनस में वाई वाले एक साथ कर ले, इन दोनों को एक साथ किया माइनस में कॉमन किया क्या जाएगा सिक्स ए माइनस में बी इंटू में वाई और प्लस में क्या बचेगा नाइन सी माइनस थ्री बी और प्लस में नाइन ए, नाइन ए इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास जीरो। देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे वाई है तो वेरिएबल हम क्या कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं,
क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास रूट्स निकल के आ रहे हैं वो क्या थे, वाई के टाइम में थे। अब वाई पे थे तब भी हमारे पास क्या आएगा, रूट तो वही आएंगे। मैंने वाई को रिप्लेस कर दिया इससे एक्स, तो ए एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स ए माइनस में बी और एक्स प्लस सी माइनस में थ्री बी प्लस में नाइन ए इज इक्वल टू जीरो। ये भी इक्वेशन थी हमारे पास, केवल लैम्डा लगा हुआ था, लैम्डा आप लगा सकते हो क्योंकि लैम्डा क्या है, जनरल इक्वेशन है, समझ में आ गई होगी। तो हमें क्या करना पड़ा, ना हमें सब निकालना पड़ा ना हमें प्रोडक्ट निकालना पड़ा, ठीक है, डायरेक्टली हमारे पास आंसर आता है। तो अब इसके बारे में भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ सके। ठीक है, 18 माइनस टू 16, 16 माइनस
6y, ठीक है। अब देखिए 3 माइनस 1 2, 2 प्लस 5 7 इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन आई है हमारे पास, इसमें हम वेरिएबल को चेंज कर देंगे, वेरिएबल को चेंज कर देंगे, हमारे पास क्या बन जाएगी, जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिल जाएगी। तो क्या है इक्वेशन, 35x² + 6x + 7 = 0, ठीक है, नोट कीजिए। क्वेश्चन देखिएगा, आप इसी क्वेश्चन को जो हमारे पास पहले मेथड था उसके रिगार्डिंग में सॉल्व कर लेते हैं, ताकि आपको दोनों पर डिफरेंस समझ में आ जाएगा। तो ये है हमारे पास फर्स्ट मेथड, जो सॉरी अल्टरनेट मेथड, जो मैं यहाँ पे 11 सीखा, ये मैंने 10th में नहीं सीखा था, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो 10th वाला था, वो बात कर लेते हैं कि कुछ बच्चों को उसमें समझ में आता है, उसके रिगार्डिंग बात करेंगे, ठीक है। देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ था, ये दिया था 3x² + x + 5 = 0। यहाँ से सम ऑफ द रूट्स क्या आएगा, -1/3, प्रोडक्ट रूट क्या आएगा, 5/3, ठीक है। अब यहाँ पे ये रूट्स थे, यहाँ पे ऐसे रूट्स थे, तब क्या करेंगे, तब तो प्रॉब्लम हो जाएगी हमारे पास। तो ध्यान दीजिए प्रॉब्लम क्या होगी, बात करते हैं हमें क्या करना पड़ेगा। मैंने इसको मान लिया, इस वाले पोजिशन को मान लिया गामा लिखा हुआ है, और ये वाला पोजिशन जो है वो डेल्टा है। तो गामा प्लस डेल्टा क्या आएगा, अल्फा प्लस 1 अपॉन में अल्फा माइनस 3 प्लस बीटा प्लस 1 अपॉन में बीटा माइनस 3। एलसीएम ले लेंगे, ये यहाँ पे मल्टीपल देगा अल्फा बीटा माइनस 3 अल्फा, ओके, प्लस में बीटा प्लस और माइनस में 3। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मल्टीपल करेंगे तो देगा अल्फा बीटा माइनस में 3 बीटा माइनस में 3 और यहाँ पे प्लस में अल्फा, अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा इनका मल्टीपल अल्फा बीटा माइनस 3 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा और प्लस में 9। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे बहुत सारा कैलकुलेशन आ रहा है, ये एडिशन है, इसी तरीके से सब हम लोग मल्टीपल करेंगे तब भी होगा सर, उसके बाद जो वैल्यूज आएंगे वो वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तब जाके हमारे पास आंसर आएगा, फिर भी हम कर लेते हैं, ओके। तो ये हमारे पास आ गया अल्फा बीटा क्या था 5/3 माइनस में 3 अल्फा 3 बीटा माइनस में 3 और अल्फा प्लस बीटा माइनस 1/3 है, ठीक है। फिर क्या है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा प्लस में, तो ये जाएगा हमारे पास 2, क्यों, माइनस 3 और प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 2 टाइम हो गया माइनस 3 माइनस 3 माइनस 6 अपॉन में क्या हो गया फिर से भाई 5/3 माइनस 3 टाइम्स माइनस 1/3 और प्लस में 9। इतना होने के बाद में यहाँ पे एलसीएम लेना है, तो 5 माइनस प्लस हो जाएगा 5 + 2 = 7, 7/3 माइनस में 6, देखिएगा 7/3 माइनस में 6 दैट इज 18 माइनस 11/3, ये क्या आया है न्यूमरेटर, ठीक है। अच्छा उसके बाद में देखिएगा यहाँ पे 5/3 माइनस 3/3 ये खत्म हो जाएगा हमारे पास, क्या आएगा 1 + 10 = 35/3, ठीक है। ये 3 से ये 3 आ गया -11/35, एक बार और देख लेते हैं जिसको मिस्टेक होगी शायद लोगों से। तो यहाँ पे अल्फा बीटा माइनस में 3 अल्फा प्लस में बीटा एंड माइनस में 3, ठीक है, -6 है, ओके। 5/3 यहाँ पे प्लस 2/3 -3 + 1 - 2, ओके, एंड प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2, ठीक है, -2 - 2 = 3, ओके, 5 + 2 = 7, ठीक है। फिर यहाँ पे -3 - 3 - 6 अल्फा बीटा, यहाँ पे 2 टाइम्स अल्फा बीटा था, अल्फा बीटा अल्फा बीटा तो 10/3 हो जाएगा, ओके, ये मिस्टेक मैं कर रहा था, 10/3 तो माइनस में 8/3 है, 13 - 8/3, अभी भी कहीं मिस्टेक कर रहे, अल्फा बीटा अल्फा बीटा 2 टाइम्स अल्फा बीटा मतलब 10/3, ओके, माइनस में 2 माइनस 2 बीटा मतलब 12/3 दैट मीन्स 10 - 12 = 12/3 दैट मीन्स हमारे पास क्या आएगा माइनस में 6/3, ठीक है, ये
सम, सम का क्या फिर हमारे पास क्या करेंगे गामा डेटा, गामा डेटा निकालेंगे तो अल्फा प्लस वन अपॉन में अल्फा माइनस थ्री में टू में बीटा प्लस वन अपॉन में बीटा माइनस थ्री, तो आएगा अल्फा प्लस बीटा और प्लस में वन अपॉन में अल्फा बीटा माइनस थ्री टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस में नाइन। वैल्यू को यहाँ से सब्सटीट्यूट करेंगे, इसको रख कर देंगे, इसको कोई दोष नहीं है। इक्वेशन में कैसे आते हैं बता देंगे मैं आपको थोड़ा सा, यहाँ पे देखिएगा प्रोडक्ट आ रहा है अल्फा गामा डेल्टा की वैल्यू क्या है हमारे पास, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है फाइव बाई थ्री, तो फाइव बाई थ्री माइनस में वन बाई थ्री प्लस में वन अपॉन फाइव बाई थ्री प्लस में यहाँ पे माइनस थ्री है इंटू में माइनस वन बाई थ्री और प्लस में नाइन, तो सॉल्व करके यहाँ पे आएगा फाइव बाई थ्री मतलब फोर बाई थ्री, फोर बाई थ्री प्लस वन सेवन बाई थ्री, यहाँ पे देखिए फाइव बाई थ्री माइनस में वन तो फाइव टेन थर्टी फाइव बाई थ्री, तो ये थ्री से थ्री कैंसिल क्या जाएगा सेवन बाई थर्टी फाइव, कैंसिल नहीं कर रहे। इक्वेशन क्या होती है एक्स स्क्वायर माइनस सम, तो सम मतलब गामा प्लस डेल्टा इंटू एक्स प्लस गामा डेल्टा इज इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस इसकी वैल्यू क्या आई हमारे पास माइनस में सिक्स प्लस में सिक्स बाई थर्टी फाइव एक्स प्लस में ये जाएगा सेवन बाई थर्टी फाइव इज इक्वल टू जीरो, एल्सियम ले लोगे तो थर्टी फाइव एक्स स्क्वायर प्लस में सिक्स एक्स प्लस में सेवन इज इक्वल टू जीरो, तो ये जो इक्वेशन आएगी ये हमारे पास क्या रहेगी इसकी फाइनल इक्वेशन हो जाएगी, क्या हो जाएगी फाइनल इक्वेशन हो जाएगी। ओके देखिएगा दोनों इक्वेशन कैसे आ रही है सेम आ रही है, तो आप ये मेथड क्या है कैलकुलेशन ज़्यादा है इसमें क्या है डायरेक्टली सब्सटीट्यूट करना है और वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है दोनों मेथड यूज कर सकते हो आप, दोनों मेथड यूज करके आप आंसर निकाल सकते हो। आप नेक्स्ट पॉइंट डालिए ये मेथड सेम क्या है यहाँ इसके बाद में बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कॉमन रूट, नेक्स्ट सेटिंग है कॉमन कंडीशन, कॉमन कंडीशन क्या होता है हमारे पास दो इक्वेशन दी जाएंगी और दो इक्वेशन में हमारे पास क्या होगा उसके लिए बात करेंगे, कैंसिल दीजिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा दो इक्वेशन दी गई है हमारे पास ए वन एक्स स्क्वायर प्लस बी वन एक्स प्लस सी वन इक्वल टू जीरो ए टू एक्स स्क्वायर प्लस बी टू एक्स प्लस सी टू इक्वल टू जीरो, ये दो इक्वेशन दी जाएंगी। जब हमारे पास कॉमन रूट होगा तब क्या करेंगे और जब हमारे पास एक सिंगल कॉमन रूट हो गया तब क्या करेंगे इसके लिए बात करेंगे, यहाँ पर क्या होगा देखते हैं। आपको ये जो इक्वेशन है हमारे पास अगर लिखेगा फर्स्ट पॉइंट लिखेगा केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट देखिए केस नंबर फर्स्ट क्या है इफ इफ ऐसा है अगर ए वन अकाउंट में ए टू इक्वल टू बी वन अकाउंट में बी टू इक्वल टू सी वन बाई सी टू ऐसा अगर आ रहा है तो हमारे पास क्या होता है यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है, सॉरी यहाँ पे क्या होता है ए वन अकाउंट ए टू बी वन अकाउंट बी टू मतलब क्या हो जाएगा दोनों जो रूट्स हैं दोनों जो रूट्स हैं हमारे पास क्या जाएंगे वो इसके कॉमन रूट्स होंगे, मतलब कहने का है अगर ये क्वेश्चन सर की है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो तो इसके रूट्स क्या होंगे हमारे पास एक तो होगा माइनस टू एक होगा वन, ठीक है अगर हमारे पास यहाँ पे ऐसा लिख दिया थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो तब भी रूट्स क्या होंगे तब भी रूट्स क्या आएंगे माइनस टू और वन आएंगे, कैसे आ रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ से देखो यहाँ पर क्या एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन क्या है हमारे पास वन है यहाँ पे क्या है थ्री इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है वन है यहाँ पे क्या है थ्री इक्वल टू माइनस टू है और क्या है माइनस सिक्स, तो ये क्या है तीनों पोजिशन पे इक्वल आ रहे हैं क्या आ रहे हैं इक्वल मतलब एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन दोनों है उसका रेशियो फिर एक्स का क्वेश्चन का रेशियो एंड कॉन्स्टेंट टर्म का रेशियो वो तीनों पोजिशन पे क्या आ रहे हैं इक्वल आ रहे हैं, तो ऐसे जो रूट्स होंगे हमारे पास तब क्या होता है हमारे पास ऐसे जो रूट्स होते हैं दोनों क्या होते हैं कॉमन रूट्स होते हैं, देखिएगा
if a1 upon b2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2, then both equations, equation number 1, this is the equation number 1 and 2, both equation, equation number 1 and equation number 2, both equation, equation number 1 and equation number 2 will have both roots in common. ये याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन हमें इसी से पूछा होता है, तो दे दिया जाएगा कि बोथ रूट्स आर कॉमन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट, कुछ भी बोल दिया जाएगा, कांस्टेंट टर्म दे दिया जाएगा, ओके तब क्या करेंगे उसके लिए बात करते हैं। ये हो गया केस नंबर फर्स्ट के लिए बात, यार समझ गए। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट के लिए बात करेंगे केस नंबर सेकेंड के। केस नंबर सेकंड कि अगर हमारे पास एक रूट कॉमन हो और कोई भी एक ही रूट है, यहाँ पे दूसरे रूट की बात ही नहीं की गई है, आपसे बोल देंगे एग्जैक्टली वन रूट इज कॉमन, तब क्या करेंगे? देखिए, इफ इक्वेशन वन एंड टू हैव एग्जैक्टली क्वेश्चन वन एंड टू हैव एग्जैक्टली वन रूट इन कॉमन, इन बैक से अल्फा, से क्या है अल्फा, मतलब वो जो रूट्स है वो क्या है अल्फा, ठीक है, तब क्या करेंगे? तो उसके लिए बात करेंगे कि हम करते क्या है वहाँ, प्रोसीजर क्या होता है। देखिएगा, अगर ये अल्फा दोनों में कॉमन है तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? इक्वेशन समझे कि वन ए वन अल्फा स्क्वायर प्लस बी वन अल्फा प्लस सी वन इक्वल टू जीरो। सेकेंड क्या बनेगा? ए टू अल्फा स्क्वायर प्लस बी टू अल्फा प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। अगर दो रूट्स हमारे पास कॉमन है तो ये हमने क्या सीखा था? ये बचपन में सीखा था, क्या कि बचपन में था नाइन्थ में सीख के आए थे यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। क्या होता था? अल्फा स्क्वायर अपॉन बी, क्या करते थे? इनको छुपा के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते थे, मतलब यहाँ पर होता था बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन इज इक्वल टू क्या होता था? माइनस अल्फा अपॉन बी ए वन सी टू माइनस ए टू सी वन इक्वल टू वन अपॉन बी, क्या होता था? ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन, ठीक है। तो इससे मैंने क्या किया, ये जो क्वेश्चन लिखी हुई है इसको मैंने लिख लिया अल्फा और में ये माइनस का मल्टीपल यहाँ पे कर दिया, तो देखा मेरे पास ए टू सी वन माइनस ए वन सी टू इज इक्वल टू वन अपॉन ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन। दिखेगा ये यहाँ से कंडीशन निकल के आती है, ये बात ध्यान रखिएगा, बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन, ठीक है, यहाँ से किया। अब मैंने क्या किया, पहले इसको इक्वेट कर लिया, अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, इसको यहाँ पे मल्टीपल क्या हो जाएगा, ए टू सी वन माइनस ए वन सी टू, ए टू सी वन माइनस ए वन सी टू और अपॉन में क्या है, अपॉन में है ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन, ठीक है, ये हो गया। फिर अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, यहाँ पे इन दोनों को इक्वेट कर रहा हूँ, इन दोनों को इक्वेट करूंगा तो अल्फा स्क्वायर क्या है, देखिए इसका मल्टीपल यहाँ पे जाएगा, अल्फा स्क्वायर को जाएगा हमारे पास बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन अपॉन बी ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन, ये हो जाएगा। अब मैंने यही जो अल्फा था उसको मैंने यहाँ पे आके सब्स्टिट्यूट कर दिया, देखिएगा सब्स्टिट्यूट करने पे क्या आएगा, ए टू सी वन माइनस ए वन सी टू अपॉन बी ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन परफेक्ट स्क्वायर इज इक्वल टू बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन अपॉन में ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन। अब देखो एक पोर्शन स्क्वायर है तो एक पावर तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, क्या बचेगा, एक पावर पर उसको आपको मल्टीपल कर देंगे, तो इक्वेशन ऐसे बन जाएगी ए टू सी वन माइनस ए वन सी टू, ए वन सी टू इज इक्वल टू बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन इन मल्टीपल में क्या आएगा,
a1 b2 माइनस a2 b1। ओके, ये जो हमारे पास निकल गई आई इक्वेशन, इस इक्वेशन का ही यूज है। जहाँ पे कहीं भी आपको एक कंडीशन दे दी गई है कि इक्वेशन है एग्जैक्टली वन रूट इज कॉमन, एग्जैक्टली वन रूट इज कॉमन ऐसा बोला गया है, तब क्या करेंगे, तब हम इस कंडीशन का यूज करेंगे। यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर है इसका, ई टू सी वन माइनस ए वन सी टू का परफेक्ट स्क्वायर इक्वल टू बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन एंड ए वन बी टू माइनस ए टू ए टू बी वन। ठीक है, यहाँ पे आप एक याद कर सकते हैं, वो बताता हूँ। जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पोर्शन है वो क्या है, वो पोर्शन है हमारे पास ए सी का परफेक्ट स्क्वायर, ए सी का जो पेयर है उसका परफेक्ट स्क्वायर, मतलब क्या लिखा है ए टू सी वन माइनस ए वन सी टू का परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ये लिखा हुआ है। फिर ये जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है बी सी का पेयर, ये जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है ए बी का पेयर। ओके, यहाँ से हमें ये बात पता लग गई कि कैसे सॉल्व करते हैं, वो यहाँ पे सॉल्व कर रख लोगे आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए ये। फिर हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। देखिए क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड ए इफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस थ्री एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस थ्री एक्स प्लस में फोर इज इक्वल टू जीरो, एंड सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स सॉरी सेवन एक्स है प्लस में ए एक्स सॉरी बी प्लस में ए थ्री प्लस थ्री ए इक्वल टू जीरो एज ए कॉमन रूट, एज ए कॉमन रूट, एज ए कॉमन रूट। अब देखो यहाँ पे एज ए कॉमन रूट बोला गया है, मतलब आपको ये नहीं बोला कि एग्जैक्टली कॉमन रूट, ऐसा नहीं बोला, आपको क्या बोला है एज ए कॉमन रूट, तो हो भी सकता है नहीं भी सकता है। तो फर्स्ट केस ले लेंगे, एज ए कॉमन रूट, तो ये आपको समझना है कैसे करना है। पहला केस, केस नंबर फर्स्ट कि बोथ रूट्स आर कॉमन, बोथ रूट्स आर इन कॉमन, तो आपको पता है कि बोथ रूट्स आर कॉमन मतलब क्या हो जाएगा, हमारे पास ए वन अपॉन ए टू वन बाई वन एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट इज इक्वल टू बी वन बी टू माइनस ए प्लस थ्री अपॉन में माइनस सेवन, फिर यहाँ पे फोर बाई थ्री है। ओके, यहाँ से दो केस बने, पहला केस यहाँ पे ए प्लस थ्री अपॉन में सेवन जो है वो किसके इक्वल है वन के, सेकेंड केस क्या है कि फोर बाई थ्री जो है वो क्या है वन के इक्वल। तो यहाँ पे देखिए ए प्लस थ्री इक्वल टू सेवन, तो ए इज इक्वल टू क्या गया फोर, तो यहाँ से क्या गया ए इज इक्वल टू फोर बाई थ्री। ओके, दो कंडीशन ए की वैल्यू आ गई, अब आप रख के देख लो दो कंडीशन के कभी इक्वल आएंगे नहीं, कभी कभी ए पॉइंट होगा कभी ए पॉइंट होगा, तो यहाँ से ये पता चल गया कि जो बोथ रूट्स हैं वो कॉमन नहीं है, ये आपको पता चल गया कि बोथ रूट्स हैं कॉमन नहीं है। फिर क्या करेंगे, सेकेंड नंबर पॉइंट क्या है, ए रूट कॉमन है उसके लिए बात कर रहे थे, लिखेगा यहाँ पे लिख दीजिएगा बोथ रूट्स आर कैन नॉट बी कॉमन, इसके नीचे लिखिएगा बोथ रूट्स कैन नॉट बी कॉमन। ठीक है, अच्छा ये क्या कहें, फिर लिखिएगा इफ एग्जैक्टली वन रूट इन कॉमन, एग्जैक्टली वन रूट इन कॉमन, देन क्या हो जाएगा मेरे पास, एग्जैक्टली अगर वन रूट कॉमन हो गया तब कंडीशन क्या आएगी वो देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे देन अप्लाई सी आर सी,
क्या हो जाएगा? आपको भी पता है कि अगर एग्जैक्टली वन नोड कॉमन है तो हम करते क्या है वो बात कर लें। देखिए यहाँ पे आपको पता है क्या होता है, बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन का परफेक्ट स्क्वायर इज इक्वल टू ए वन सी टू माइनस या ए टू सी वन माइनस ए वन सी टू का परफेक्ट स्क्वायर, सॉरी परफेक्ट स्क्वायर नहीं, और यहाँ पे ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन का प्रोडक्ट, ये होता है क्या होता है यहाँ पे ए वन सी टू है और यहाँ पे बी टू है, ठीक है ये होता है बी वन सी टू बी टू सी टू, ठीक है ये देखिए। अब यहाँ पे वैल्यू तो पता नहीं है, हमें वैल्यू क्या दिया क्वेश्चन देना है, यहाँ पे क्या है ए वन, ए वन की वैल्यू क्या है वन, सी टू, सी टू वैल्यू क्या है थ्री है, यहाँ देखा थ्री ए माइनस वन फोर हो गया स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है बी वन ए प्लस थ्री सी टू थ्री ओके प्लस देखते हैं प्लस बी टू, बी टू जो क्या है सेवन माइनस सेवन प्लस तो प्लस ठीक है, और यहाँ यहाँ पे क्या रहेगा यहाँ पे है ए वन वन और बी टू माइनस सेवन माइनस भी माइनस में प्लस में अब इनको सॉल्व कर लें, सॉल्व करें क्या हो जाएगा हमारे पास ये जगह नाइन स्क्वायर प्लस में सिक्सटीन प्लस में ट्वेंटी फोर ए सॉरी माइनस ट्वेंटी फोर ए इज इक्वल टू यहाँ पे लेकिन सॉल्व करके यहाँ पे क्या आएगा थ्री ए तो माइनस थ्री ए स्क्वायर नाइन ए स्क्वायर और माइनस में नाइन ए प्लस में ट्वेंटी ए और यहाँ पर रहेगा हमारे पास क्या हो जाएगा ए प्लस में फोर, ठीक है। अब देखिए अब मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे क्या आएगा नाइन ए क्यू सर नाइन थ्री ए स्क्वायर तो माइनस में थ्री ए क्यू शिफ्ट कर देंगे इधर साइड तो थ्री ए क्यू फिर क्या है हमारे पास प्लस में माइनस में ट्वेल्व और माइनस में नाइन तो ट्वेल्व नाइन ट्वेंटी वन शिफ्ट करेंगे यहाँ से नाइन टू नाइन खत्म हो जाएगा माइनस प्लस की कुछ प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पर ए माइनस फोर ठीक है तो माइनस थ्री ए स्क्वायर थ्री क्यों नहीं आगे सकते यहाँ पर माइनस में नाइन ए स्क्वायर और ये हो गया हमारे पास प्लस में ट्वेल्व माइनस में नाइन और प्लस में ट्वेल्व प्लस में सिक्स ए स्क्वायर फिर यहाँ पे फोर्टीन ट्वेंटी फोर है हमारे पास यहाँ पे लिखिएगा माइनस थर्टी सिक्स प्लस थर्टी फोर माइनस थर्टी सिक्स और प्लस थर्टी माइनस में एट एट को शिफ्ट किया तो माइनस में सिक्सटीन और लिखिएगा ट्वेंटी फोर माइनस वन वन टू और प्लस सिक्सटीन तो प्लस में वन टू एट ठीक है ये आ गया हमारे पास क्या आ गया थ्री ए स्क्वायर
प्लस सिक्स थर्टी एट क्यूब प्लस सिक्स ए स्क्वायर माइनस एटी एट प्लस थर्टी सिक्स ठीक है प्लस ट्वेंटी एट थर्टी सिक्स ट्वेंटी एट थर्टी सिक्स ट्वेंटी एट इधर ट्वेंटी फोर फिफ्टी टू सॉरी एटी एट है ठीक है ये आदमी। अब देखिए यहाँ पर अब यहाँ पे अगर क्यूबिक इक्वेशन बन रही है तो यहाँ पे शॉर्ट में हमारे पास क्या रहता है क्यूबिक को सॉल्व करने का हमारे पास कोई भी मेथड नहीं होता है केवल एक मेथड है कि आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर लो वैल्यूज को और इक्वेशन को सेटिस्फाई कर लो। ठीक है आपने वन रखेंगे तो वन सिक्स नाइन माइनस टू जीरो तो आएगा ही नहीं ठीक है जीरो नहीं आएगा तो टू रख के देखो तो टू रखेंगे तो एट एट थ्री या ट्वेंटी फोर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर ट्वेंटी फोर 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 सिक्स या ट्वेंटी फोर ठीक है और यहाँ पे क्या है प्लस में 128 तो मैं इसको लिख लेता हूँ पहले 152 प्लस 24 176 और इसमें ऐसे ही मैं टू रखेंगे तो 176 आएगा खत्म हो जाएगा माइनस में 176 मतलब क्या हो गया कि जो x माइनस टू है वो इसका एक क्या है फैक्टर क्या है फैक्टर फिर से समझते मैंने क्या रखा टू रखा है x इक्वल टू रखा है या a इक्वल टू रखा है तो हमारे पास क्या हो जाएगा वो जो टू है उसको शिफ्ट कर देंगे ए माइनस टू इक्वल जीरो मतलब ए माइनस टू क्या है इसका फैक्टर है मैंने ऐसे दिया ए माइनस टू। अब इसको नोट करना है इस ब्रैकेट में क्या है डिवाइड करके ए माइनस टू से डिवाइड करना है यहाँ पे क्या है थ्री ए स्क्वायर और यहाँ पे 128 कैसे है मतलब यहाँ पे क्या होगा माइनस का 64 होगा इतनी बार समझ में आई सबको आ गई होगी फिर से समझिए ए माइनस टू से डिवाइड कर रहे हैं ए माइनस टू से करेंगे तो यहाँ पे तो ए है यहाँ पे क्या है ए क्यूब है तो यहाँ पे होना क्या चाहिए थ्री ए स्क्वायर होंगे तभी आएगा मेरे पास और कॉन्स्टेंट में माइनस टू है तो यहाँ पे प्लस में 128 है माइनस टू से डिवाइड कर दे क्या आएगा 64 आएगा। अब बीच में कौन सा नंबर आएगा ए का टर्म आएगा वो क्या आएगा वो देखना है। अच्छा अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है माइनस में सिक्स ए स्क्वायर है क्या है माइनस में सिक्स ए स्क्वायर हमें क्या चाहिए हमें प्लस में सिक्स चाहिए हमारे पास क्या करना पड़ेगा प्लस में ट्वेल्व करना पड़ेगा यहाँ पे क्या आएगा ट्वेल्व ए आ जाएगा ठीक है। अब दो घंटे से यहाँ पे बन गई कि ए माइनस टू इक्वल टू जीरो तो ए की वैल्यू टू आ गई एक कंडीशन आ गई हमारे पास क्या गई एक कंडीशन आ गई कि ए इक्वल टू टू फिर अगर ऐसा नहीं होगा तो ऐसा होगा थ्री ए स्क्वायर प्लस ट्वेल्व ए माइनस में 64 इक्वल टू जीरो ठीक है। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आएगी माइनस में 12 प्लस माइनस रूट ऑफ 12 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू माइनस 64 अब वन में 6 फिर मेरे दिमाग में क्या आया क्या किया मैंने यहाँ से अंदर से 4 को कॉमन कर लिया मतलब 16 कॉमन एक तरीके से इसके अंदर से 4 है ये भी यहाँ पे 64 है तो 64 आ जाएगा बाहर डायरेक्टली आने के पास क्या माइनस 12 प्लस माइनस 4 अंदर से एक्चुअल में क्या आया एक्चुअल में 16 आया है यहाँ पे क्या बचा है 9 प्लस क्योंकि माइनस माइनस प्लस 16 फोर ज़ा प्लस में क्या बचा है बस 4 फोर ज़ा 48 अब वन में 6 फिर देखिए फिर क्या बचेगा हमारे पास ए इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस माइनस ऐसे टू से कॉमन करके डिवाइड कर दिया यहाँ पे 6 प्लस माइनस 2 टाइम्स रूट में 57 अपॉन में 3 ओके और डिवाइड कर सकते हैं तो ए इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस रूट 57 2 टाइम्स अपॉन में 3 2 टाइम्स रूट 57 अपॉन में 3 ये आ गई ए की वैल्यू ये तीन वैल्यूज होंगे जहाँ पे हमारे पास इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे एक तो टू हो गई और एक इक्वेशन हो गई ओके नोट कर लीजिए। ओके नोट कर लीजिए आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा और अगर नहीं आया है तो हम इसके आगे आप बात करेंगे एक और क्वेश्चन लेके ठीक है मगर आज नहीं करेंगे आज कल के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे आज के लिए इस सेशन को यहीं पे ख़त्म करेंगे और जो आपको वर्कशीट दी गई है आप उससे क्वेश्चंस को भी ट्राई कीजिए जो नहीं आते हैं आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं
आज के लिए इतना रखते हैं, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।